हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है फिर से माइनक्राफ्ट की एक और यूनिक वीडियो में। और आज की वाली जो वीडियो होने वाली है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि भाई आज जो है अपनी सर्वाइवल सीरीज़ का डे 3 है, एपिसोड 3 है। तो गाइस आज हम लोग बनाने वाले हैं एक आयरन आर्मर। हाँ यार गाइस, क्योंकि भाई देखो पिछले एपिसोड में मैंने एक मस्त हाउस बनाया था और भाई बहुत सारे बंदे कह रहे थे कि हाउस के बाद तुम ना आयरन आर्मर बना लेना जिससे तुम्हारा प्रोटेक्शन हो जाए। तो भाई मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हम लोग आयरन आर्मर ही बनाएंगे। तो खैर गाइस, यहाँ पर भाई मैं अपने वर्ल्ड में हूँ और यहाँ पर भाई मेरा हंगर बार कम हो रखा है। खैर फटाफट से यहाँ पर हम लोग खाते हैं फूड फटाफट से, और भाई यहाँ पर हम लोग हंगर बार को जो है कम कर देते हैं। हाँ गाइस, यहाँ पर फुल हो रखा है यार, मैं कह रहा था कम हो रखा है। खैर फटाफट से खाते हैं। और यार ये पोटैटो से बहुत ज़्यादा देरी में पेट भरता है भाई, क्या हो रखा है। खैर यहाँ पर हमारी वाइट मतलब कि पिंक सीप है, और भाई लिटरली भाई 6 दिन हो चुके हैं इन्हें मैंने कुछ नहीं खिलाया। अभी रुको बस तुम 2 मिनट, मैं अभी आ रहा हूँ। खैर गाइस ये देख लो भाई, जिन बंदों ने नहीं देखा था पिछला एपिसोड वो देख लें, यही हाउस बनाया था मैंने। और ये विलेजर्स भाई क्या हरकत करते रहते हैं इधर, मतलब कि ये गेट भाई हाउस मेरा है, तुम लोगों के लिए नहीं बनाया है। खैर ठीक है गाइस, भाई ये रही अपनी चेस्ट, इसी के अंदर मैंने सारा का सारा सामान रखा हुआ है। तो ये हैं अपने स्टोन के टूल्स जो कि इस टाइम अभी हमारे पास हैं। भाई आयरन के हैं नहीं, क्योंकि आयरन की आज हम लोग आर्मर बनाने वाले हैं, तो शायद से मैं टूल भी बनाऊंगा आज ही। तो फटाफट से अभी मैं भाई अपनी सीप्स को कुछ खाना खिला देता हूँ, क्योंकि भाई लिटरली 6 दिनों से मैंने। अबे तू क्या कर रहा है इधर भाई। ओके ओके, शायद ये पोटैटो, अबे जब तू खाता नहीं। ओके गाइस ये पोटैटो भी खाता है भाई, मुझे नहीं पता था कि पिग पोटैटो भी खाता है भाई, मुझे लगता था कि पिग कैरेट खाता है। खैर ठीक है फटाफट से अब तू इधर से निकल ले भाई, तुझे मिल चुका है। ओके कैट तू भी खाएगी। खैर ठीक है गाइस, फटाफट से हम लोग अपने हाउस का गेट बंद करते हैं। और ये रही अपनी सीप, तू भाई फिर से आ गया, ले भाई ये मेरा फूड है, अगर मैं तुझे खिला दूंगा मैं क्या खाऊंगा। खैर ठीक है गाइस, फटाफट से हम लोग अपनी सीप्स को खिलाते हैं। लेकिन भाई इनका यही झंझट मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है कि भाई ये ना मतलब कि अगर हम लोग इन्हें वीट दिखा देते हैं तो ये देखो सारी की सारी पास में आ गई। खैर अभी हम लोग फटाफट से अब सभी को खिला देते हैं। ले ले भाई सारे के जितने बंदे हो सारे के सारे खाओ। खैर गाइस फटाफट से हमें आगे पीछे होना होगा, पता ही नहीं चलता कि भाई कौन बचा है और कौन नहीं। तो ओके गाइस, भाई मैंने इन्हें यहाँ पर वीट खिला डाली है, और अभी जो अपना मेन टास्क है वो है अपना आयरन की आर्मर बनाना और भाई टूल्स बनाना। तो गाइस उसके लिए जो है हमें बेसमेंट में चलना होगा, लेकिन उसके लिए गाइस मैंने थोड़ा सा सामान लेता हूँ, जैसे कि भाई हमें अपना बेड लेना होगा। और भाई बेड तो हमारे पास एक ही है जो कि हमारे हाउस के अंदर होता है, तो हम लोग यहीं वाला लेने वाले हैं। गाइस मैं सोचता हूँ भाई मेरे पास ना 2 बेड होने चाहिए। हाँ गाइस मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो एक अपना हाउस के अंदर वो तो रहेगा ठीक है गाइस, इससे अपना हाउस डेकोरेट होता है, और भाई दूसरा हमारे पास रहेगा एमरजेंसी के लिए। लेकिन भाई मैं इन विलेजर्स का जो है ये बेड चुराना नहीं चाहता भाई, मैं सोचता हूँ कि ये किधर से लाएंगे, इसलिए गाइस मैं इनका नहीं चुराता हूँ। खैर फटाफट से बेड हमारे पास आ चुका है, पिकैक्स हमारे पास है ही लेकिन एक ही तो है। खैर ठीक है, एक से ही हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। अभी लोग फटाफट से चलते हैं भाई नीचे स्टोन विस्टोन तोड़ के। ओके गाइस यहाँ पर हमें स्टोन भी मिलता जा रहा है, तो गाइस हम लोग टॉर्च भी बना लेंगे अपने लिए। और भाई यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा हूँ, लेकिन भाई अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है। भाई कोल ही दे दो यार, अबे एक कोल तो दे दो। ओके गाइस यहाँ पर भाई कोल भी, ये क्या और का है। खैर फटाफट से नीचे चलते हैं हम लोग। ओके ओके भाई कुछ नहीं, यहाँ कॉपर आया है। अब भाई इस कॉपर का मैं क्या करूँगा भाई, अभी मुझे कॉपर की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे कोल और आयरन की ज़रूरत है। लेकिन भाई अबे वेट, ये भर भर के मिल रहा है कॉपर यार। ओके ओके भाई जो मिल रहा है इस टाइम लपेट लो, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। डे 3 मतलब कि सर्वाइवल सीरीज़ का डे 3 है, और हमारे पास इस टाइम कुछ भी नहीं है इतना जो हम लोग ज़्यादा ग्रो अप कर पाएँ। लेकिन खैर ठीक है, फटाफट से थोड़ा सा और नीचे चलता हूँ मैं भाई, कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता। हाँ यार गाइस भाई कुछ तो मिलना चाहिए। ओके यहाँ पर कुछ ऐसा स्टोन टाइप का तो आया है, लेकिन भाई अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो फटाफट से मैं कुछ आयरन फाइंड करता हूँ जो कि यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। लेकिन भाई तुम इतनी देर के बाद मिले हो तो कुछ मतलब कि थोड़ा रहम करो भाई, थोड़े से ज्यादा मिल जाओ। ये तो गाइस के वो भाई, अगर जोम्बी जोम्बी नहीं भाई जोम्बी, ओ ब्रो ये लावा है, और हम इस टाइम आके
हम इस टाइम हैं किस टाइम भाई, मतलब कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लावा को देख के भाई हम इस टाइम हैं किधर भाई, कोई तगड़ी रवीन तो नहीं है पता चला। ओ जॉम्बी, अबे ऊपर जाने दे भाई, मुझे देखना है क्या क्या है इसमें अंदर मतलब। ओके ओके गाइस, गाइस क्रीपर, अगर ओ भाई जॉम्बिस जॉम्बिस भाई, तुम ऐसा है दूर रहो। और गाइस इस टाइम मैं ना इस रवीन में घुसने वाला हूँ नहीं, क्योंकि अगर एक स्केल्टन ने भी गलती से तीर मारा तो फिर भाई अपने काम हो जाएंगे। तो इसीलिए गाइस मैं फटाफट से इस रास्ते को बंद करता हूँ। और भाई नेदर पोर्टल बनाने के लिए हमें ये रास्ता याद रखना होगा। और भाई जॉम्बिस भाई आग में जल के मर गए, चलो तुम अपना मरते रहो, मैं अभी इधर से निकलता हूँ। खैर गाइस फटाफट से, यहाँ पर हमें इनफ आयरन मिल चुका है। और ये रास्ता याद करने के लिए मुझे कुछ तो ऐसा लाइक अलग सा लगाना होगा। अलग सा क्या लगाना होगा यार, मेरे पास यहाँ पर डर्ट ही है जो कि इन स्टोन से अलग होती है, तो इसे ही लगा देता हूँ रास्ता याद रखने के लिए। ऊपर से गाइस हम लोग डायरेक्ट एक बार वाटर बकेट MLG करेंगे, उसके बाद आएंगे। बट वेट भाई, मैंने अपने विलेज के गोलम को तो मारा ही नहीं, खैर उसे भी मार लेंगे। बट क्या इसके नीचे लावा है? ओके गाइस लावा तो नहीं है। और फटाफट से मैं बहुत सारा आयरन जो है लेकर के आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि यार आयरन जो है फाइंड करना कुछ इतना इजी काम तो है नहीं। तो मैं ना क्रीपर और जॉम्बीज वगैरह से बचते हुए जो है ढेर सारा आयरन लेकर आप लोगों से मिलता हूँ डायरेक्ट अपने हाउस में। ठीक है गाइस, इससे ना वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और है टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। खैर अबे बेडरॉक, नहीं 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 अभी बेडरॉक नहीं आ सकता। खैर ठीक है गाइस, फटाफट से मैं लेता हूँ आयरन और आप लोगों से जो है मिलता हूँ अपने हाउस के अंदर। तो ओके गाइस भाई, यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं किसी टाइप की रबीन में आ चुका हूँ, मतलब कि रबीन तो उस साइड को है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ग्रेवल्स दिखी हैं जिससे यहाँ पर मुझे ये फ्लिंट मिल रहा है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ फटाफट से हम लोग यहाँ से फ्लिंट भी ले लेते हैं, क्योंकि आयरन के बाद हम लोग फ्लिंट एंड स्टील भी बना लेंगे। खैर अभी यार आयरन भी फाइंड करना है, तो फटाफट से काम तो बहुत ज़्यादा है, मिलता हूँ आप लोगों से यार अब डायरेक्ट अपने हाउस में ही। तो ओके गाइस भाई, यहाँ पर जो है मुझे इनफ आयरन मिल चुका है और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं माइन करके सारी की सारी आयरन। और भाई हाँ, यहाँ पर गाइस मैंने ना ग्रेबल लगा दी है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ताकि भाई हमें याद रहे कि हाँ हमारी जो माइन है वो इधर से ही है। तो ठीक है भाई, मैं आप लोग को आयरन दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो 35 आयरन ये है और 10 आयरन ये है। तो भाई मैंने बहुत ढूंढा ढाली करी भाई, आयरन भी मुझे ऐसा लग रहा था कि डायमंड है यार, इतनी मुश्किल में ये मिला है। खैर ठीक है, तो गाइस यहाँ पर इतना आयरन इनफ तो होगा ना भाई, कम तो नहीं पड़ जाएगा। लेकिन हाँ एक सेकंड भाई, गोलम किस साइड को है? अभी पहले तो हम लोग गोलम को मारते हैं, बाद में हम लोग ये वाला आयरन जो है स्मेल्ट करेंगे, क्योंकि भाई देखो गोलम हमें ना स्मेल्ट आयरन देता है। खैर वो सब तो सही है, बाकी जो गोलम का आयरन होता है उससे मैं ना एक बकेट बना लूँगा। लेकिन गोलम किस साइड को है? ओके 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 गाइस, आयरन गोलम इस साइड इधर ही घूम रहा था थोड़ी देर पहले। ओके भाई उस वाली साइड को एक ब्लेजर है और उधर भी एक फार्मर है, लेकिन गोलम यार किधर चला गया भाई? गोलम कहीं तगड़ी प्रोटेक्शन तो नहीं दे रहा है ब्लेज को? पता चला 6-7 क्रीपर, मतलब कि 6-7 क्रीपर ने उसे घेर लिया और भाई फिर धूम धड़ाके हो रहे हैं। लेकिन किस वाली साइड को हो सकता है यार गोलम? तो अभी मैंने थोड़ी देर मतलब जब मैं माइन से पहले जब मैं माइन पे जा रहा था तो यार गाइस मैंने गोलम को देखा था, बट अब मतलब कि अभी गोलम किस वाली साइड को है भाई? मुझे तो लग रहा है आज इसे जॉम्बीज ने घेर लिया, अब तो ये गया गोलम चचा। लेकिन भाई गोलम होना तो इधर ही चाहिए। खैर ठीक है गाइस, गोलम को हम लोग छोड़ते हैं फटाफट से, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा आयरन आ चुका है। तो पहले हम लोग उसे स्मेल्ट करते हैं, अगर हाँ कम पड़ा, वैसे मुझे लगता तो नहीं है, मतलब लग तो नहीं रहा है कि कम पड़ेगा, बाकी अगर कम पड़ा तो हम लोग ना और आयरन ले आएंगे। वो माइन तो गाइस हमें पता ही चल गई है, और भाई वो रबीन जहाँ पे लावा था, दो जॉम्बीज थे भाई, वो भी हमें पता चल गया है। तो ठीक है, तो आयरन की ऐसी कोई टेंशन है नहीं, मैं उस रबीन में घुस जाऊंगा चाहे भाई कुछ भी हो, जॉम्बीज मारे चाहे क्रीपर भाई। अब तो आज तो आयरन के टूल्स और आर्मर बनानी है। मैं थोड़ी सी ना इधर से वुड ले लेता हूँ यार,
बहुत दुख हो रहा है कि बस इतनी वुड है, इतने प्लैंक्स हैं और भाई यहाँ पर मुझे ये वेस्ट करना हो रहा है। लेकिन फटाफट से भाई, अगर हमें चाहिए टूल्स और आर्मर तो ये तो करना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास 10 आयरन है, तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, पहले इसे हम लोग स्मेल्टिंग पे लगा डालते हैं। और यहाँ पर गाइस हम लोग वुड रखे हैं प्लैंक्स, वैसे प्लैंक्स से भी हो जाना चाहिए सच है। ओके गाइस, हो रहा है भाई, मुझे लग रहा था केवल वुड से ही होता है लेकिन प्लैंक्स भी काम करता है, ये मुझे नहीं पता था। खैर भाई, अब इसे स्मेल्टिंग में टाइम लगेगा, तो अब ये भी देखना होगा कि भाई ये स्मेल्ट किस टाइम को होता है। तो चलो फिर गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, फिर और हम लोग कर भी क्या सकते हैं। तो ओके गाइस, भाई यहाँ पर जितना आयरन था भाई, सारा का सारा यहाँ पर स्मेल्ट हो चुका है। और भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ हुआ क्या था। तो भाई हुआ ये था कि जब मैं आयरन स्मेल्ट कर रहा था, तो भाई रात हो गई थी गाइस, भाई कड़ाके की बिजली कड़क रही थी और भाई बारिश तो बहुत तेज़ हो रही थी। तो भाई इसीलिए मैं ना ऐसे भाई इस कोने में ऐसे दुबक के बैठ गया था कि कोई क्रीपर ना देख ले। वैसे अब क्रीपर की टेंशन नहीं। आजा भाई, कहाँ है वो क्रीपर? इधर आ, इधर, अभी तुझे बताता हूँ भाई। अब तो अपने पास जो है आयरन की आर्मर है, लेकिन हाँ अभी भाई आयरन स्मेल्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरी इन्वेंट्री में है। तो अभी हम लोग फटाफट से करते क्या है, अभी मैं बनाता हूँ इसका, बट मेरा क्राफ्टिंग टेबल, ओके ये तो मैं चेस्ट में रखवा दिया था। तो गाइस देखो, ये रहा अपना क्राफ्टिंग टेबल। लेकिन भाई जो मेरे पास फालतू की चीज़ें हैं ना, ये मैं अभी चेस्ट में रखवाने वाला हूँ। फालतू की चीज़ें आप लोग समझ रहे होगा, जैसे यहाँ पर मेरे पास कॉपर है, ग्रेवल है, और ये पता नहीं कैसे से 3 ब्लॉक है हमारे पास में, और यहाँ पर हाँ वीट। भाई वीट बाद में हम लोग खिला देंगे अपनी सीप्स को, लेकिन अभी जो है इम्पोर्टेंट है अपनी आर्मर। तो भाई टेबल तो मैं मतलब क्राफ्टिंग टेबल इधर से निकाल लिया, हाँ ये रहा। तो भाई अभी हम लोग फटाफट से जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं, और भाई हम क्या ही लगने वाले हैं यार आयरन आर्मर में। खैर ठीक है, यहाँ पर वाटर बकेट देख रहे हो, अभी कितनी सारी बनने वाली है इसकी। खैर भाई फटाफट से यहाँ पर गाइस हमारी आर्मर बन जाएगी, बट टूल्स नहीं बनेंगे। भाई मैं भी कैसा आदमी हूँ, हम लोग आयरन और टूल्स, अबे ये मैंने कितने ले लिए भाई, अभी आयरन वेस्ट हो जाता तो भाई दिल पे लगती, क्योंकि गाइस भाई इतना आयरन नहीं है कि हम वेस्ट करें। खैर ठीक है, फटाफट से मैं और इसके बूट्स बना लेता हूँ। चलो भाई जितने हो सकते हो उतने बन जाओ। ओके गाइस, यहाँ पर ये तो हो चुका है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास क्या स्टिक और प्लैंक्स हैं। ओके गाइस, यहाँ पर हाँ भाई 20 स्टिक्स हैं, जो कि शायद ही इनफ हो जाएंगी। हो जाए तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि हमें जाना नहीं पड़ेगा। ओके यहाँ पर एक सॉर्ड हम लोग फटाफट से आयरन की लेते हैं। हाँ भाई ओके, एक एक्स ये रही, और गाइस एक पिकैक्स, भाई ये कम ना पड़ जाए स्टिक्स कम। अभी पिकैक्स किधर लेके जा रहा हूँ मैं। खैर ठीक है, यहाँ पर हमें एक सोड भी मिल चुकी है ब्रो। ओके इस वाली साइड से हम लोग एक हो ये ले लेते हैं गाइस, सवल ले लेते हैं। हाँ सवल भी हम लोग फटाफट से इस वाली साइड को रखवा देते हैं, और अभी हम लोग एक होय लेने वाले हैं, क्योंकि गाइस होय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन माइनक्राफ्ट। लेकिन क्या अभी भी हमारे पास आयरन जितना, मतलब कि आर्मर जितना आयरन है? खैर भाई हो, अभी हम लोग फिर से जो है आर्मर नहीं बनाएंगे। मैं फटाफट से क्या करता हूँ, बकेट बना लेता हूँ एक, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर अपनी सारी की सारी चीज़ें बन चुकी हैं, और रात तो नहीं, ओके गाइस रात नहीं होने वाली है। और अभी हम लोग जो है स्टोन के टूल्स को बाय बाय कहने वाले हैं। तो शायद इस वाली साइड को पानी था, हाँ मुझे पता था पानी था, और भाई इसके नीचे मुझे तो कोई गहरा ओशियन लग रहा है। खैर भाई स्टोन के टूल्स क्या कर सकते हैं भाई, इतना ही साथ था। खैर जाओ फटाफट से, तुम्हें ना डॉल्फिन मिलेगी, उसके साथ जाके खेलना। वैसे भी मेरे पास इतना टाइम है नहीं तुम्हारे जैसे फालतुओं को रखने का। खैर गाइस बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, अभी मैं क्या करता हूँ फटाफट से ये आर्मर जो है हम लोग इस वाली साइड को रख लेते हैं। भाई टूल्स तो हमारे बिल्कुल अपने हाथ में ही होने चाहिए, लाइक अगर कल को कोई फाइट हो गई तो भाई फटाफट से हमने अपने टूल्स निकाले और फिर भाई दे दनादन। खैर गाइस फटाफट से इस वाली साइड को मैं ये रखवाता हूँ, और स्टिक्स, ओ भाई स्टिक्स, ओके भाई स्टिक तो हमने इधर रखवा डाली है। और गाइस बेड, तो बेड मैं सोच रहा हूँ हम लोग अपने हाउस में रखवा देंगे। लेकिन ये लो भाई, अब हमारी आर्मर जो है रेडी हो गई है। ओके भाई फटाफट से बूट्स रह रहे हैं। हाँ तो फाइनली गाइस यहाँ पर हमारी आयरन की आर्मर कंप्लीट हो चुकी है, और अभी अभी यार मैं
ओशियन में गिर जाता। खैर गाइस, यहाँ पर हमारी आयरन आर्मर जो कि है कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। और भाई आज ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे पास भी अपनी एक आयरन आर्मर और टूल्स हैं, हमारा एक प्रोटेक्शन है तगड़ा वाला। खैर गाइस, ये सब तो सही है, बट अभी भाई मैं ना कुछ शुभ मुहूर्त करने वाला हूँ शॉर्ट से। आ जा भाई, तेरा ही मुहूर्त होने वाला था, तू आ गया मेरे पास खुद से। बट गाइस, इस वाली साइड को एक बेबी किटन है, नहीं भाई भाई इसे नहीं मारना, इसे नहीं मारना। खैर गाइस, फटाफट से हम लोग बेड रखवा डालते हैं अपना, क्योंकि भाई आप लोगों को पता होगा कि भाई थोड़ी देर पहले माइन में जब हम लोग मतलब माइन करने गए थे उस रबीन के अंदर, तो भाई हमें ना अपना बेड साथ में ले जाना पड़ा था ताकि अगर रात हो जाए तो हम लोग सो लें। वैसे यहाँ पर मैं फटाफट से बेड लगाता हूँ। और हाँ गाइस, भाई आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि पहले अच्छा हाँ दिन है, हाँ तो गाइस आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि भाई जो है एक हाउस बनाओ पहले, उसके बाद आयरन आर्मर बनाना। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर भाई आयरन आर्मर तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइस आप लोग बताओ कि अब भाई क्या रह रहा है, मतलब अब हम लोग क्या करें। बट गाइस एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार हम लोग इस विलेज के अंदर रेड डलवा देते हैं तो गाइस बहुत अच्छा होगा, हमारे पास भाई टोटम ऑफ अंडाइंग आ जाएगा। लेकिन गाइस आप लोग भी कॉमेंट में भाई बताना ज़रूर, मतलब कि आप लोग भी बताना ज़रूर कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि रेड करवा देंगे, लेकिन हाँ आप लोग भी बता देना कि हमें क्या करना चाहिए। खैर ठीक है गाइस, यहाँ पर अपने टूल्स और आर्मर रेडी हो चुकी है, अपनी फुल प्रोटेक्शन रेडी हो चुकी है। तो ठीक है गाइस, फिर कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, अगर आप लोगों को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से हमको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो, और भाई जो है कॉमेंट में बताना कि ये वाली वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ठीक है गाइस, तो ओके भाई, फटाफट से आप लोग जो है सब्सक्राइब का बटन दबाई डालो इतनी मस्त आर्मर और टूल्स के लिए। तो ठीक है गाइस, फिर आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि भाई अभी मुझे सीप को भी फूड देना है।